ये आकाशवाणी है। स्पॉटलाइट में ईयर एंडर 2021 सीरीज के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह, नवीन सक्सेना और आनंद श्रीवास्तव। कोरोना संकट, चीन के वुहान से शुरू हुई सादगी भरे सफर का कारवां जब भारत पहुंचा तो देशवासियों के होश उड़ गए। बीमारी नई थी और लाइलाज बताई जा रही थी। इससे बचना कैसे है, क्या करना है, नहीं करना है, ऐसे तमाम सवाल थे जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता था। दशकों से लोक प्रसारक की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे आकाशवाणी ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कोविड पर लोगों को हर संभव जानकारी देने के उद्देश्य से शुरू की कोरोना जागरूकता श्रृंखला। 18 मार्च 2020 से शुरू हुए इस कार्यक्रम ने लोगों को कोरोना से जुड़ी हर जानकारी मुहैया कराने और उनकी शंकाओं को दूर करने का काम किया। देखते ही देखते कुछ दिनों में ही इस कार्यक्रम ने शहर से लेकर गांव तक के श्रोताओं के बीच अपनी खास जगह बना ली। फिर क्या था, रात 9:30 बजे लोगों को इंतजार होता कोरोना जागरूकता श्रृंखला का। कोरोना जागरूकता श्रृंखला में आपका स्वागत है, मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। आज के इस अंक के साथ मैं हूं नवीन सक्सेना। आज का कार्यक्रम लेकर आया हूं मैं आनंद श्रीवास्तव। बीमारी महामारी में बदल गई थी, मामले बढ़ने लगे थे और मौत की आंकड़ों ने भी समाज से लेकर सरकार की परेशानी बढ़ा दी थी। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों के वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञों को इस कार्यक्रम में शामिल कर उनके अनुभवों और उनकी विशेषज्ञता के आधार पर लोगों तक सही सलाह पहुंचाने की कोशिश की गई। देशभर में लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोरोना से बचने की आवश्यकता है। कैसे बचें, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। देश भर में कल से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, किन बातों का ध्यान रखकर आप बाहर जा सकते हैं, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज से डॉक्टर अजीत कुमार चौरसिया। कोरोना के मामले 1 लाख प्रतिदिन के आंकड़े के करीब पहुंच रहे हैं। घबराना नहीं है, इससे लड़ना है। कोरोना की लड़ाई में आप कैसे योगदान दे सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे विशेषज्ञ हैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज मुंबई के डीन डॉक्टर हेमंत देशमुख। एक नए उत्साह के साथ कोरोना टीकाकरण अभियान आज यानी 16 जनवरी से शुरू हो गया है। किसे पहले चरण में लगेगा टीका और आपका नंबर कब आएगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीएमसी वेल्लोर से डॉक्टर देवाशीष डांडा। भारत में डेल्टा वेरिएंट का कहर चरम पर है। आज के कार्यक्रम में हम आपको असम से मेडिकल एजुकेशन के निदेशक डॉक्टर अनूप कुमार बर्मन के माध्यम से बताएंगे कि कैसे घर पर रहकर भी आप अपना इलाज करवा सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर का असर देश में कम होने लगा है, लेकिन लॉन्ग कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इससे कैसे बचें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एम्स भोपाल के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह। बच्चों को तीसरी लहर क्या सही में प्रभावित करेगी, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़ से डॉक्टर ओपी सुंदरानी। देश भर में आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, इसके बाद दीपावली और छठ जैसे त्योहार भी आने हैं। त्योहारों के इस मौसम में कौन कौन सी सावधानी बरतने की जरूरत है, इस पर विशेषज्ञ राय देने के लिए हमारे साथ हैं एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर प्रसीन पांडा। आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं पर विशेष कार्यक्रम यानी पिंक एपिसोड में हमारे साथ हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की वुमेन डॉक्टर्स विंग की चेयरपर्सन आईएमए अहमदाबाद की डॉक्टर मोना देसाई। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिला है, कितना खतरनाक है ये और क्या कोविड टीके इस पर प्रभावी होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन कोलकाता से डॉक्टर शंभु सम्राट सामदार। 550 से ज्यादा अंक इस कार्यक्रम के पूरे हो गए हैं। इस कार्यक्रम ने मिथ बस्टर की भूमिका निभाई है। सोशल मीडिया हो या फिर पत्र पत्रिकाओं में छपी वैसी जानकारी जिनका न तो कोई आधार था और न ही कोई वैज्ञानिक प्रमाण, ये वैसी खबरें थीं जिसने लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं पैदा की। इस कार्यक्रम के जरिए इन्फोडेमिक्स को दूर कर श्रोताओं तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाई गई।
देश भर से श्रोताओं ने हर दिन अपने सवाल पूछे और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने विशेष राय देकर उनकी समस्याओं का समाधान किया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी जुड़ चुकी हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कोरोना शहरों में ज्यादा बढ़ रहा है, सर ये बताइए शहरों में इतना क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ तो सब एहतियात बरते जाते हैं। शहरों में आदमी की जो डेंसिटी, मतलब पर एरिया जितने आदमी रहते हैं, गाँव की अपेक्षा कहीं बहुत ज्यादा है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग वाली बात पूरी तरीके से लागू नहीं होती है। एक कमरे में 12-12, 15-15 लोग रहते हैं। दूसरी बात क्या है, गांव का खुला वातावरण होता है, जितना वातावरण खुला होगा, जितनी वेंटिलेशन ज्यादा होगी, ये बीमारी उतनी कम होगी। तीसरी बात यह है कि यहाँ लोग सब कुछ फॉलो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईमानदारी से चूक जाते हैं, इसलिए ये बीमारी शहरों में ज्यादा है। My name is Bullu Patnaik, Kendur district, Orissa state. My question, what is the incubation period of coronavirus? कोरोना वायरस है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड एनीथिंग बिटवीन 3 to 7 days हम मानकर चलते हैं। मीडियम पीरियड वही 5 से 6 दिन के करीब आता है। तो यानी कि अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है, पर्सन है, उससे आप कांटेक्ट में आते हैं, तो आपने ये साइन सिम्टम या इन्फेक्शन स्टेबल होने में एनीथिंग बिटवीन 3 to 7 days हम मानकर चलते हैं कि लग सकता है, जो कि हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। मैं काला ढोलवा लुधियाना के डंगोरा गांव से बात कर रहा हूँ। एक तो मेरा ये सवाल है, जैसे हम लोग आंखों से ब्लाइंड है, मैं जैसे ब्लाइंड हूँ आंखों से, क्योंकि हमारे जैसे और बहुत लोग हैं, स्टडी भी करते हैं और कहीं जाते आते भी हैं, तो उन्हें किसी किसी का सहारा लेना पड़ता है। तो वो जो सहारा लेते हैं, वो किसी को क्या पता भी इनको कोरोना है या नहीं है ना, तो हम अपनी सावधानी कैसे रखते हैं। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि अपना इम्यूनिटी सिस्टम जो है, उसको कैसे प्रॉपर हम बढ़ाएं। एक चीज तो मैं सबसे पहले ये कहूंगी, जैसा आपने कहा है, ऐसा इंसान है जिसको कोई भी सिम्टम्स है जो कोरोना के हो सकते हैं, उनको हम डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आप घर से बाहर मत निकलिए और मास्क पहन के रखिए, इसीलिए ताकि अगर आपको कोरोना है जो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, आप किसी और को उससे ग्रसित ना करें। तो ये जिम्मेवारी उस इंसान की है जिसको कोई भी सिम्टम्स है, ये नहीं पता कर सकते कि दूसरा इंसान उससे ग्रसित है कि नहीं। तो हमको ये खास ध्यान रखना है ताकि हम किसी और को ग्रसित ना करें। तो इम्यूनिटी बूस्टर्स काफी है, जो आयुष मंत्रालय जिनके बारे में बात करता है, वो सब चीजें हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोलो। सरकार ने बहुत अच्छी तैयारी करी है इस साल, जैसे पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छी तैयारी हुई है। क्या वैज्ञानिक हमारे जो वैक्सीन के ऊपर और कुछ इसके अच्छा बेटर रिजल्ट आए और इससे ज्यादा बेटर अच्छी कुछ कार्रवाई कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे? प्रॉब्लम आ रही है सभी को, जैसे कि टीका लगाने के बाद बुखार और दर्द होता है, तो वैज्ञानिक लोग इसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं कि ऐसा आगे कुछ ना हो, नए जो वैक्सीन बनाएंगे। वैक्सीन के बाद फीवर होना ये एक नॉर्मल रिस्पांस है, बच्चों को भी आप कोई भी टीका लगाते हैं तो काफी बच्चों को उसके बाद बुखार और इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं, तो एक नॉर्मल रिस्पांस है। कोई आप वैक्सीन देते हैं, आप उसमें एक एंटीजन या जो भी आप इम्यूनोजेनिक जो भी आप सब्सटेंस दे रहे हैं, तो एक बॉडी का एक इम्यून रिस्पांस जब उसके लिए शुरू होता है तो फीवर इस तरह के लक्षण आ सकते हैं, वो नॉर्मल है। और जो शोध की आपने बात की, तो डेफिनेटली शोध चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, पूरे देश का पूरी दुनिया का ध्यान इस समय केवल कोरोना वायरस और उससे एसोसिएटेड वायरस पे है, उससे आप निश्चिंत रहे। और बाकी भी शोध चल रहे हैं कि क्या हमें बूस्टर डोजेस की जरूरत होगी, क्या हमें वैक्सीन कंबाइन करनी होगी, उससे बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, तो आप उसके लिए भी निश्चिंत रहे। डॉक्टर्स और वैज्ञानिक इस सब चीजों का शोध कर रहे हैं, ये सब ऑलरेडी चल रहा है। मैं सिलीगुड़ी से डोलन दास बोल रही हूँ। आज मैं ये जानना चाहती हूँ, ये जो हर एक में एक पैनिक हो गया है, ये जो नया इन्फेक्शन आया है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन्फेक्शन फैलता तो बहुत जल्दी है, लेकिन क्या ये खतरनाक भी उतना ही ज्यादा है? इससे घबराने वाली चीज नहीं है, और जो अच्छी चीज बताइए वो यही बताइए कि मास्क से इसे भी रोका जा सकता है, तो आपको कोई भी चीज से डरना नहीं है, बल्कि उससे बचाव के सारे चीजों को कंटिन्यू रखना है। इस लंबे सफर में कई श्रोता ऐसे भी हैं जो लगभग हर कार्यक्रम में न सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, साथ ही अपने अनूठे सवालों के माध्यम से देशवासियों को कुछ नया जानने का अवसर भी देते हैं। कुछ ऐसे ही श्रोताओं ने इस कार्यक्रम से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। मैं महेश शर्मा खारीकुआ बड़ौद से बोल रहा हूँ जी। आपका प्रोग्राम हमेशा लाजवाब रहा है और जो है 468 प्रोग्रामों में हिस्सेदारी ली है, जिसके कारण हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। आपके सभी प्रोग्राम रिकॉर्ड करता हूँ
और जो है बहुत से दोस्तों को जोड़ता हूँ आपके प्रोग्राम के लिए। इस प्रोग्राम से तमाम जानकारियां डॉक्टरों से मिलती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत से दोस्त भी और जगह जानकारियां देते हैं और इतना अच्छा अनुभव होता है कि ऐसा लगता है कि कोरोना को खत्म करके रहेंगे। आकाशवाणी के साथ मैं लगभग 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इस भारती और दिल्ली के FM के प्रोग्राम सुनते हैं और हमेशा हमारी कॉल लगती थी। मैं यामिन भाई रेडियो वाला सिरोडी लोनी जिला गाजियाबाद यूपी उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। ये प्रोग्राम 2020 अप्रैल से सुनते आ रहे हैं और लगभग सभी कार्यक्रम में हम हिस्सा लेते हैं। हम रिकॉर्डिंग भी करते हैं इस प्रोग्राम की और सबको ही कहते हैं आप सब सुने, कोरोना के बारे में आपको जानकारी मिलेगी और आप इससे थोड़ा अनुभव प्राप्त करेंगे। आप सभी लोग वैक्सीन लगवाएं और सभी को बताते भी हैं कि आप 9:30 बजे आप रेडियो सुनने डेली और ये कार्यक्रम जो है तो सभी के लिए है। कॉल भी करें आप, इसमें हम नंबर भी बताते हैं लोगों, लोग जुड़ते भी हैं आपसे, तो इससे हम लोगों को काफी जानकारी मिलती है, जागरूकता बढ़ रही है जी। लोग हमसे भी पूछते हैं कि हमने आपको कल सुना था, आपने अच्छे सवाल पूछे और लोगों को पता भी लगा भाई ये सवाल पूछने से ऐसा हुआ, उनको हम कहते वैक्सीन लगवाएं आप, हमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई आप भी लगवाएं, तो लोगों ने वैक्सीन लगवाई भी है। अभी कल एक मेरे को मैडम मिली थी बुजुर्ग से, भी कह रही थी भैया वैक्सीन लगवाई आपने कोई दिक्कत हुई? मैंने कहा मैम कोई दिक्कत नहीं हुई, आप लगवाएं बेफिक्र हो गए मैं आपके साथ चलता हूँ। हम उसके साथ गए, उनको वैक्सीन लगवाई हमने और वो ठीक है, कहने लगी आपने बहुत अच्छा बताया। मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलेज जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। इस कार्यक्रम में जो जानकारी दी जाती है डॉक्टर के माध्यम से, भेंटवार्ता के माध्यम से आप लोग जो जानकारी देते हैं, जानकारी बहुत फायदेमंद होता है और सभी वर्ग लोग इससे प्रभावित होते हैं और इसमें कहना चाहिए कि समाज में तो फायदा ही होता ही है लेकिन इसमें बुजुर्ग लोगों को, युवा वर्गों को और बच्चों को सभी प्रकार की बहुत अच्छी जानकारी रहती है, फायदेमंद रहती है, सभी लोग इसका फायदा उठाते हैं। परिवार लोग सभी सुनते हैं, सभी उद्घोषित लोगों की भी जानकारी भी बहुत अच्छी रहती है, जो प्रश्न करते हैं डॉक्टर साहब से और श्रोता भी प्रश्न करते हैं उनके से जवाब मिलता है। मैं गुरुनाथ चन्ने ठाणे महाराष्ट्र से, COVID-19 का प्रोग्राम है मार्च 2020 से मैं सुन रहा हूँ और इस कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ। इससे मुझे बहुत सारा लाभ हुआ है, कोविड के बचने के जो उपाय है जो आकाशवाणी से अवेयरनेस फैलाया जाता है उससे मुझे लाभ हुआ है और मैं नियमित पर प्रिकॉशन लेता हूँ कोविड के लिए। मेरे अड़ोस पड़ोस, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वालों को इसके बारे में, सभी लोगों को मैं जागरूक किया हूँ, अवेयरनेस किया हूँ, इस प्रोग्राम के बारे में बताया हूँ और वो लोग भी अभी नियमित सुनते हैं, कभी कभी कॉल भी करते हैं। आकाशवाणी ने कई बार रोचक अंदाज में कोविड से बचने के उपायों पर भी जोर दिया। कोरोना जागरूकता श्रृंखला का सफर भी जारी है, आपके स्नेह और प्यार भरे जुड़ाव का ही परिणाम है कि हम सब हर दिन आपके लिए नए उत्साह और जोश के साथ महामारी से लड़ने का संकल्प लेते हैं और एक नए विशेषज्ञ के साथ कार्यक्रम पेश करते हैं। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और यूं ही कोरोना जागरूकता श्रृंखला के कार्यक्रमों से लाभप्रद जानकारी लेते हुए कोरोना संक्रमण से भी बचे रहिए। हम सबकी कोशिशों से ही देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। अभी आप सुन रहे थे ईयर एंडर 2021 सीरीज के अंतर्गत कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह, नवीन सक्सेना और आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIR NSDTalks@gmail.com।